ये सब जो ब्लिंक हो रहा है ना, ये सब मछली है। लुक एट द फिशेस ओवर हियर, एकदम छोटे छोटे मछली है। बचपन में हम लोग देखते हैं ड्रेन में ये सब मछली। आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ, शायद आप देख सकते हो। ऑल दीज आर किड्स। यहाँ पर सीढ़ियों तक पूरा पानी आ चुका है और ये बहुत ही विशाल एक देख सकते हो वाटर बॉडी। यहाँ पर यू कैन सी उस तरफ से इस तरफ तक। दोस्तों, मानसून का मौसम आ चुका है और गर्मियों का मौसम जा चुका है और अब देख सकते हो नेचर के साथ मैं भी मानसून का पहले बारिश जस्ट लगातार दो दिन से एंजॉय कर रहा हूँ। ये मेरा बाइक है और लास्ट दो महीने से मैं मेरा बाइक का कोई वॉश नहीं करवाया, इसलिए जो गाड़ी का जो हालत इतना गंदगी हो चुका था, कंडीशन बहुत ही बुरा था। बट फॉर्चुनेटली लास्ट दो दिन से इतना झमाझम बारिश हो रहा है, इसीलिए गाड़ी मैंने दो तीन बार बाहर निकाला था और बारिश में धोकर ऑलमोस्ट ये बहुत ही ऊपर बहुत ही क्लीन हो चुके हैं। चलिए एक बार मैं दिखा देता हूँ कहाँ कहाँ अंदर कहाँ कहाँ गंदगी है और कहाँ कहाँ साफ कम्प्लीटली हो चुका है। नीचे का पोर्शन देख सकते हो कितना मिट्टियाँ पर जमा हुआ है। देख सकते हो लास्ट दो से ढाई महीने से गाड़ी को मैंने एक भी वॉश में नहीं दिया गया था, क्योंकि लॉकडाउन के लिए। देख सकते हो पूरा इंजन में कितना मैल, कितना गंदगी अभी लगा हुआ है। पर ये वाला पोर्शन देखो ऊपर का जो बारिश में भीग कर पूरा एकदम नया चकाचक बन चुका है इसमें बाइक। पर यहाँ सामने कुछ डस्ट है, इसको थोड़ा सा साफ करना पड़ेगा, मिरर को भी थोड़ा सा साफ करना पड़ेगा। बट एवरीथिंग लुक्स गुड इन दिस ट्रेन। मानसून का एक चीज़ बहुत ही मुझको अच्छा लगता है कि ये जो टिप टिप बारिश हो रहा है चारों तरफ, अभी झमाझम बारिश हो रहा था बट रुक रुक कर बारिश हो रहा है। सारा दिन दो तीन दिन से कंटिन्यूसली बारिश ऐसे होता रहेगा। एकदम टेम्परेचर जो इतना हाई था गर्मी में, इतना जस्ट लाइक गर्मी में एकदम जीना बहुत मुश्किल हो चुका था। बट अभी ये जस्ट लाइक रुक रुक कर जो बारिश हो रहा है, इसके लिए एकदम टेम्परेचर कूल हो चुका है। बहुत ही खुशनुमा एक मौसम है। तो मैंने बाइक लेके निकला हूँ, मुझे जाना है थोड़ा सा काम में और मैंने डिसाइड किया मैं रेनकोट नहीं पहनूंगा और ये जो मानसून का जो पहला बारिश मैं अपना भीगूंगा और इसका मज़ा तो लूंगा। और अगर मैं थोड़ा सा बीमार भी हो जाऊँ, थोड़ा सा मेरा सर्दी जुकाम अगर लग जाए तो भी फिक्र नहीं गाइस। एक्चुअली ऐसे एक बहुत ही ब्यूटीफुल वेदर को मिस करना तो नहीं चाहिए। बीइंग अ रोमांटिक पर्सन आई लव टू बी वेट इन द रेन। एरिया में एक बड़ा सा तालाब है, देख सकते हो लगातार दो दिन से जो झमाझम बारिश हो रहा है उसके बाद ये तालाब तो पूरा एकदम देख सकते हो यहाँ पर सीढ़ियों तक पूरा पानी आ चुका है और ये बहुत ही विशाल एक देख सकते हो वाटर बॉडी। यहाँ पर यू कैन सी उस तरफ से इस तरफ तक और इस रेनी सीजन में यहाँ पर आकर इतना बढ़िया लग रहा है, आई हैव नो वर्ड्स टू एक्सप्लेन। मैं मेरे घर से 5 से 10 मिनट बाइक राइड है, मैं मेरा बाइक लेके सिर्फ इस व्यू को देखने के लिए आया हूँ। जस्ट लुक एट द ब्यूटी, चारों तरफ कितने ब्यूटीफुल ग्रीनरी है और यहाँ पर पूरा पानी लबालग भरा है और उसके सामने दोपहर को मैं खड़ा होकर आप लोगों से जस्ट बात कर रहा हूँ, ये ब्लॉग शूट कर रहा हूँ। जस्ट फीलिंग ग्रेट ओवर हियर। सब जो ब्लिंक हो रहा है ना, ये सब मछली है। लुक एट द फिशेस ओवर हियर, एकदम छोटे छोटे मछली है। बचपन में हम लोग देखते हैं ड्रेन में ये सब मछली। आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ, शायद आप देख सकते हो। ऑल दीज आर किड्स, छोटे मछलियों का जो बच्चे होते हैं चारों तरफ यहाँ पर छोड़ा जाता है। एक्चुअली मछली का कल्टिवेशन भी किया जाता है इस तालाब में और बहुत ही खूबसूरत सा नज़ारा चारों तरफ। जहाँ पर भी आप देखोगे यू विल फाइंड यहाँ पर हज़ारों लाखों ऐसे छोटे छोटे मछली खेल रहे हैं चारों तरफ। और ये सब जस्ट लाइक कई महीनों में, कुछ में 3-4-5 महीनों के अंदर ये पूरा तालाब में ये सब भर जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर फिशिंग होगा, ज़बरदस्त तरीके से फिशिंग होगा और यहाँ मछलियों को सब पकड़ लिया जाएगा। एंड इट इज़ लुकिंग सो ब्यूटीफुल। और यहाँ पर देखो ये जो बड़ा सा पेड़ यहाँ पर गिरा हुआ है ना, एक्चुअली कुछ दिन पहले हम लोग यहाँ पर जो साइक्लोन आया था अम्फान, उसके लिए यहाँ पर चारों तरफ से 2-3 पेड़ बड़े बड़े जो पेड़ हो गिर चुका है। एक पेड़ यहाँ पर पूरा कितना विशाल ये पेड़ देखो, लुक एट दिस ह्यूज ट्री भैया, ये भी कम्प्लीटली गिर चुका है पानी में। तो दोस्तों ये है पहला मानसून का बारिश और मैं एक्चुअली घूम रहा हूँ, बारिश में भीग रहा हूँ। तो आपको ऐसा भीगने अगर अच्छा लगता है तो मैसेज करें, यस लिख कर भेजिए। तो मैं जानना चाहता हूँ ऐसे कौन कौन है मेरे साथ, मेरे जो दोस्त लोग हैं, आप लोग भी ऐसे बारिश में भीगना अच्छा लगता है। तो गाइज दिस इज़ ऑल अबाउट द व्लॉग, मानसून का पहला बारिश, हैविंग फन, हैविंग एन्जॉइंग। तो व्लॉग को यहाँ पर ख़त्म करता हूँ, व्लॉग को यहाँ पर क्लोज करता हूँ। गाइज होप सो यू एन्जॉयड दी छोटा व्लॉग। इंडिया में स्लोली स्लोली सभी जगह पे अभी बारिश आना चालू हो जाएगा
उसके बाद आप सब भी इंजॉय कर सकते हो द ब्यूटीफुल मानसून ओवर हियर। दिस इज़ कोलकाता, कोलकाता से मैं हूँ आपका दोस्त विशाल, और मानसून यहाँ पर आ चुका है और भी लगातार 2-3 महीना मानसून यहाँ पर चलेगा। दिस इज ऑल अबाउट द थिंग्स एंड दिस इज ऑल अबाउट माई एक्साइटमेंट फॉर द फर्स्ट रेन ऑफ रेनी सीजन। सो गाइज, सी यू इन द नेक्स्ट एक्साइटिंग एपिसोड।